ऑलराइट हे गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है सारविंद और आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही 30K हो जाएंगे, PEC 7 की भी डेट अनाउंस हो जाएगी। सो PEC 7 के लिए अपनी फोटोज़ रेडी करें, बम बारूद असला जो भी आपने रेडी करना है आप कर सकते हैं। और मेरे को ईमेल कर देना जल्दी से अपनी फ़ोटोज़। जैसे ही 30K होंगे मैं स्टोरी डालूंगा, आप स्टोरी में फाइंड कर सकते हैं कि आपको किस पे ईमेल करनी है। और जो यहाँ पे मेरा ट्यूटोरियल है वो इस फोटो के लिए, आज मैं बताऊँगा इस फोटो को आप कैसे पिक्सार्ट के अंदर अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने पिक्सार्ट के लिए नीचे कमेंट कर रखा है, प्रीवियस वीडियो पे भी कर रखा है। सो स्टार्ट करते हैं, पिक्सार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से। सो यहाँ पिक्सार्ट, पिक्सार्ट में बैकग्राउंड लोडेड है। अगर आपको ये बैकग्राउंड डाउनलोड करना है तो नीचे आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक होगी, आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली और बहुत अच्छे से डाउनलोड हो जाएगी यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी जब भी मैं कोई प्रीसेट या PNG अपलोड करूंगा वहां पे। सो ये बैकग्राउंड है और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ अपने आप को जल्दी से जाके। सो ये है आप कटआउट के लिए तौकीर भाई या NSB भाई का किसी का भी पिक्चर का ट्यूटोरियल देख सकते हैं और वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि यार मैं इसमें टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि 10-10 मिनट लग जाते हैं कटिंग दिखाने में। सो इतना लंबा कोई ट्यूटोरियल वॉच नहीं करता है और लोग ज़्यादातर उसे स्किप भी करते हैं, सो मैं उससे थोड़ा बचता हूं। सो यहां से टिक कर देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके लिए आना है, दोबारा से ऐड करना है इसे, ठीक है। ऐड करते के साथ ही जैसे ही आप इसमें देखोगे आपका यहाँ एडजस्ट का ऑप्शन है, ठीक है, इसे डाउन करना है, कॉन्ट्रास्ट को अप करना है, तो ये ब्लैक इमेज आ जाएगी, ठीक है। फिर जैसे ही आपको ये सब हो जाए तो टिक कर देना, अब ओपेसिटी कर देना बिल्कुल लो और इसे मूव करके ले आना बिल्कुल नीचे और फिर इसे कर देना फ्लिप लाइक ऐसे, ठीक है, और फिर कर देना छोटा लाइक कुछ ऐसे और जस्ट अननोटिसेबल टाइप तक की एक ब्राइटन रखना यहाँ पे कि हाँ लगे कि है भी और नहीं भी। सो ऐसे कुछ कर देना और फिर यहाँ से इरेजर ले लेना आप, फिर थोड़े थोड़े यहाँ से डिटेल्स हटा देना क्योंकि शेडो हाथ की इतनी दूर तक नहीं आ पाती है, जस्ट बॉडी तक की आती है। सो यहाँ से जस्ट सिंपल सिंपल हल्का हल्का यहाँ से आप रिमूव कर देना और साइज़ बड़ा कर देना थोड़ा सा, फैदर हो जाएगी अच्छे से और यहाँ से भी फैदर करना ना भूलना। सो यहाँ एक जस्ट नीचे परसेप्शन है, हल्का सा है, बिल्कुल हल्का सा है, तो वो जस्ट उतना ही रहने देना, उससे आगे मत करना। और ओपेसिटी इंक्रीज़ करके आप थोड़ी शेडो और गेन कर सकते हैं इतने तक जस्ट। और यहाँ परफेक्टली मैंने शेडो क्रिएट कर लिया है और बिल्कुल सही लगती है जैसे क्रिएट है इसमें। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं, रिम लाइट की तरफ। रिम लाइट यार बहुत सिंपल होती है लेकिन ड्रॉ होती ही नहीं है बंदों से, पता नहीं यार क्या लॉजिक है। कोई बात नहीं यार, मैं हूँ यहाँ बताने के लिए। सैंपल करना जो कलर आपको चाहिए और ब्राइटनेस की तरफ लाना, उसकी ब्राइटनेस है ये, ठीक है, टिक कर देना।
यहाँ ये अच्छे से बन गई है। अब जस्ट थोड़ी ओपेसिटी कम कर देता हूँ कि वो परफेक्ट लगे, और यहाँ से इसे डन कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ एक और चीज़ करनी है आपने, लाइक लेंस फ्लेयर आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हो, कोई भी ब्राइट सी आप पिक कर सकते हो, क्योंकि इसमें लेंस फ्लेयर ज़्यादा अच्छी रहेंगी थोड़ी बहुत। लाइक आप इससे भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इससे लाइक आप देख सकते हैं वहाँ मॉडल पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐड करना आपके ऊपर है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा प्रेफर करूँगा। और फिर यहाँ आप कर लेता हूँ उसे सेव, और जंप करते हैं जल्दी से लाइट रूम के अंदर। लाइट रूम में चलता हूँ, ऐड
सो यहाँ पे ये कलर ग्रेडिंग फिनिश हो गई है, और लाइक मोस्टली मैंने सेम ट्राई करने की कोशिश करी थी कि बिल्कुल सेम टू सेम बन जाए। सो बहुत थ्रोज एंड बैक हुए इसमें, सो बन गई ये फोटो आप बिल्कुल अराउंड वैसे ही कलर ग्रेड की। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।